गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पोखरा। तो अभी हम लोग रेडी हो गए। ये पूरा ये पोखरा में लेक साइड में एक होटल ले लिए थे। जो होटल हर टाइम लेते थे उस होटल में रूम नहीं मिला। कल सैटरडे था आके, इस हम लोग बुक नहीं किए थे। हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग मुक्तिनाथ से डायरेक्ट पोखरा आ पाएंगे कि नहीं। तोतापानी पे होटल पे सामान था, वहाँ पे मेरा कुछ वैल्यूएबल सामान छूट गया जल्दी जल्दी होने के लिए। तो कुछ हम लोगों का राइडर गया है तो उन लोगों से वो सामान ले लेंगे और अभी यहाँ से निकल रहे हैं काठमांडू के लिए। तो चलो देखो हम लोगों का रूम कैसा था और कैसे ये रूम था। दो साइड पे दो बेड, उस साइड पे दादा, इस साइड पे मैं। इधर सारा सामान ऐसे ही पैक हो रहा है और बाहर आपको दिखाते हैं। चलिए बाहर ये पोखरा लेक देखिए, पोखरा लेक, और नीचे हम लोगों का बाइक ऐसे करेगा और इधर हिल पूरा सान है भाई। पोखरा लेक पे एकदम रोड साइड होटल है, नीचे बाइक भी पार्क कर सकते हो और सब कुछ हो जाएगा। तो चलो निकलते हैं होटल से। इस होटल में हम लोग रात को रुके थे। इस होटल के इस बरामदा में हम लोग खाना खाए और अभी सब लोग निकल रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बलदेव शिव तुम्हारे की जाए। पोखरा लेक के साइड से चलते हैं काठमांडू। गेट नेपाल में आपको बहुत देखने को मिलेगा। अभी के बाहर निकल रहे हम लोग काठमांडू के लिए जाएंगे। लेकिन भाई यहाँ का एक चीज़ बोलना पड़ेगा, पोखरा टू काठमांडू जिस रास्ता है, जो रास्ता गूगल दिखाता है, जिस रास्ते से जा रहे हैं, ट्रैफिक भाई भयंकर है। कोशिश कीजिए सुबह 6 बजे के अंदर निकल जाने के लिए। हम लोग 11 बजे निकले थे, पूरा ट्रैफिक में फंस के पूरा एकदम हाल खराब हो गए। ट्रैफिक बहुत है, इसलिए ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए सुबह सुबह निकल जाइए। जो रास्ता देख रहे हैं ये काठमांडू जा रहे हैं, लेकिन आज पोखरा टू काठमांडू जो रास्ता है पूरा भाई फॉग है, हिल तो कुछ नहीं दिख रहा है। कल बहुत क्लियर था लेकिन आज बहुत फॉग है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो पोखरा टू काठमांडू इस तरफ भी लैंडस्लाइड बहुत हुआ है और पूरा जो पहाड़ दिख रहा है ना, इधर मिट्टी का पहाड़ ज़्यादा है। तो मिट्टी का पहाड़ ज़्यादा होने से, हिल मिट्टी का हिल ज़्यादा होने से पूरा मिट्टी लैंडस्लाइड में आ रहा है देखो। तो इसलिए इधर अर्थक्वेक ज़्यादा होता है, इस वजह से लैंडस्लाइड भी ज़्यादा होता है। उस ऊपर ऊपर पहाड़ बहुत दूर जाना है आज हम लोगों को। भाई देखो कैसे जाएंगे रास्ते में, कैसे बस धूल उड़ा रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। फॉग लाइट जलाना पड़ेगा, नहीं दिख रहा है आगे कुछ। बाप रे बाप, ट्री हाउस ऊपर में है देखिए, ट्री हाउस है ऊपर। इधर पूरा ग्रीन पर्वत, लेकिन पूरा मिट्टी भाई, पूरा मिट्टी का पर्वत, कुछ पत्थर है ही नहीं, इसलिए पूरा धूल उड़ रहा है रास्ते में। सामने एक गाड़ी देखो, यहाँ का स्पेशल गाड़ी पहाड़ में चलने का, टोयोटा का हिलेक्स, बहुत खूबसूरत भाई, इसलिए इसका वीडियो उठा रहा है। ये गाड़ी अगर इंडिया में लेके जाएंगे तो सब लोग देखेंगे ये गाड़ी। एक ब्रिज ऊपर, बहुत सारा पहाड़ पर्वत, इधर हिल, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। और नेपाल का एक खूबी है, पुलिस एक लेडीज एक जेंट्स, एक लेडीज एक जेंट्स, सब डार्क ब्लू कलर का ड्रेस पहन के ऐसे पैदल चलते हैं एक से एक इलाका, ऐसा ही होता है। तो चलो
भाई मर्सिडीज का लॉरी देखो कैसा है। हो ये वही लड़ा पूरे भीज अच्छे करना मर्सिडीज का गाड़ी से पानी दे रहा है। क्या हुआ पता नहीं आगे भाई बहुत जैम देख रहे हैं और आगे तो पुलिस था सब गाड़ी को पकड़ रहा है लेकिन हम लोग को छोड़ दिया टूरिस्ट देख के। उनको पता ही है कि इंडियन से गाड़ी आया है तो इस गाड़ी में सारा कागज पेपर ठीक ही रहेगा। आगे क्या हुआ पता नहीं लैंडस्लाइड हुआ होगा। तो आगे लैंडस्लाइड हुआ है इसलिए सबको रोक कर रखा है नहीं जाने दे रहे। पत्थर गिर रहा है बोल रहा है। आगे जाके देखते हैं किधर से पत्थर गिर रहा है। खोल दिया चलो 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 दादा पेचने आछे। তোমার গাড়িতে উঠো নইলে আমি উঠতে পারছি না। হ্যাঁ উপর থেকে ল্যান্ডস্লাইড হয়ে রা থাকে ইদার ইসলিয়ে রোক দিয়া থা পাথর গির রা থা ইস উপর থেকে পাথর আ রা থা এক এক করকে। काठमांडू जाने वाला रास्ता ऐसा है। बहुत देर बाद टारमैक रोड मिला है इसीलिए सब लोग टान के निकल रहे हैं। बहुत देर बाद भाई मिला है टारमैक रोड। आगे खूबसूरत ग्रीन पहाड़ देखने को मिल रहा है। सब मेरा टीम एक एक करके कैसे टान के जा रहा है देखिए। एक बार दाएं एक बार बाएं एक बार दाएं एक बार बाएं ऐसे। और इधर ये जो गाड़ी है पानी देता है ये तो मिट्सुबिशी कंपनी का गाड़ी है। ये हम लोग देख रहे थे मर्सिडीज सोच रहे थे लेकिन मर्सिडीज है नहीं मिट्सुबिशी है। उसका लोगो देख के समझ में आ गया। यात्रा चल रहा है काठमांडू पोखरा से काठमांडू। अभी 4 आवर दिखा रहा है 126 किलोमीटर। आगे रास्ता अभी तो ठीक है आगे रास्ता खराब है सब लोग बोल रहे हैं टाइम लगेगा इसीलिए। नहीं तो 126 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लेकिन 4 घंटा बोल रहे हैं रास्ता खराब है इसीलिए। चलो देखते हैं कैसा है। लेकिन भाई सीनारी बहुत खूबसूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेपाली आधा पुलिस की आधा आर्मी जो बोलते हैं वो लोग रास्ते में ऐसे ही घूमते हैं। नेपाल का एक चीज़ देखे भाई पुलिस हो आर्मी हो रास्ते में वो लोग हमेशा घूमते हैं। जैसे वोट के टाइम पे हम लोग के इंडिया में पुलिस मार्च करते हैं इधर हर टाइम मार्च करते हैं। देखो भाई कैसे पहाड़ से ऊपर से पूरा लैंडस्लाइड हो रहा है। ये और कुछ देर बाद ही हम लोग पहुंच जाएंगे काठमांडू। बचपन से सुनते आ रहे हैं छोटा भीम जाते थे काठमांडू छटकी जग्गू और कालिया के साथ। आज भी हम लोग छुटकी जग्गू छुटकी तो नहीं है जग्गू कालिया सब लोग है मेरा टीम में जा रहा है। ये बड़ा भीम इधर बहुत ही खूबसूरत। ये आगे दादा जा रहे हैं दादा को ओवरटेक करके निकल जाएंगे। यहाँ पे वो ये है पृथ्वी हाईवे दिखा रहा है और रिवर भाई बहुत खूबसूरत। चलो दादा को बाय बाय आ जाओ टान के जा रहा है दादा को छोड़ के हम लोग। बहुत खूबसूरत रिवर उधर भी एक ब्रिज है सब लोग जाके तस्वीर ले रहे हैं। चलो उधर ब्रिज पे तस्वीर लेंगे शुभम।
ये ब्रिटिश जमाने का ब्रिज है, इसमें हम लोग आए हैं तस्वीर उठाने। देखो आ रहा है शुभम दादा, बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये सब नज़ारा, ब्रिटिश लोग ने बनाए थे ये ब्रिज। पांडू 105 किलोमीटर रास्ता ठीक है, लेकिन हाँ भाई सिंगल लेन है, दोनों तरफ से गाड़ी आ रहा है और बड़ा बड़ा ट्रक तो एकदम लोडेड ट्रक आ रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन ठीक है देखते हैं। गूगल तो दिखा रहा है 3 घंटा 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, देखते हैं कितना बजे पहुंचते हैं। कैसे मछली बिक रहा है, ऐसे मछली बिकते हैं इधर। हम तो मुसाफिर हैं, जीते हैं अपनी जिंदगी इस पहाड़ियों में, और ये बाइक रेक्स ये मेरा पहला और सबसे प्यारा प्यार है, इसके भरोसे इस वादियों में मैं घूमता हूँ यहाँ से वहाँ। मैं तो एक उड़ता परिंदा हूँ, आज इस पेड़ में तो कल उस पेड़ में, आज इस पहाड़ में कल उस पहाड़ में, आज इस देश में कल उस देश में, इसी का नाम है जिंदगी। घर में बैठे बैठे दुनिया भर घूमो ट्रैवल ग्रुप विजिट के साथ। तो कैसा लग रहा है इस पहाड़, और वहां से एक झरना, पहाड़ी झरना, झर 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 झरना, और इधर रिवर। तो कैसा लग रहा है दोस्तों बोलो। एक टाइम मैं घर में बैठे बैठे यही सपना देखते थे कि अपने ब्रेक्स के साथ अपने दोस्त लोगों के साथ एक दिन जाएंगे रास्ते से काठमांडू। आज वही सपना पूरा हो जा रहा, पूरा होने के लिए जा रहा है और अपने सपनों में जी रहे हैं, तो बहुत खुशी लग रहा है दोस्तों मन मन में। तो देखते रहो ट्रैवल ग्रुप प्रियजीत, बने रहो ट्रैवल ग्रुप प्रियजीत के साथ। रेस चल रहा है रेस, अरे नहीं नहीं रास्ता फाका है, हम लोग थोड़ा टान के चल रहे हैं, जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे, मेन सिटी में पहुंच जाएंगे। ऑलरेडी काठमांडू के आउटस्कर्ट में एंट्री कर लिए, ऑलमोस्ट काठमांडू पहुंच चुके। और दोस्तों गोप्रो का बैटरी ख़त्म होने के लिए जा रहे हैं और 10% बैटरी है, तो ये जर्नी अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बोलो आपको कैसा लग रहा है। हम लोग पहुंच गए काठमांडू, कल सुबह जाग के ही आपको वीडियो दिखाएंगे काठमांडू के। तो स्टे ट्यून गाइस, बने रहो ट्रैवल ग्रुप प्रीत के साथ।